अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रीम ब्लास्ट मौजूद हैं मार्केट में, और ये देखें मार्केट के हालात, और यहाँ पर देखें महंगाई की वजह से बिल्कुल ही रश नहीं है, कोई बहुत ही कम रश नजर आ रहा है मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है और हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या लेने आए यहाँ पर? जी पैंट शर्ट लेने आए हैं। तो ले ली पैंट शर्ट? नहीं अभी तो देख ही रहे हैं, इतनी ज्यादा महंगाई है, कोई अभी लेने को दिल ही नहीं कर रहा है, इतनी महंगी है। अभी क्या ईद पे निकर शर्ट पहन के मैंने कह रहा हूँ ईद गुजार लेते हैं। खान साहब के दौर में 20% थी, तो अभी 70-80% पे पहुँच गई है। 70-80% पर जी। उस टाइम पे पेट्रोल 150 रुपए लीटर था और अब 280 पे हो गया है। आज की खबरें सुनी आपने, 280-290 पे आ गया है। हाँ जी, तो ये तो ईद का गिफ्ट दी है ना उन्होंने, 10 रुपए बढ़ा के आपको। ये हमें ईदी दी है उन्होंने 10 रुपए, पहले ईदी नहीं थी मिलती, जब पीटीआई के दौर में ईदी नहीं थी मिलती, ये 10 रुपए ईदी मिली है हमें। ठीक है जी। कितना परेशान है आप, इस क्या पैगाम देंगे? मैं तो खुशी बहुत ज्यादा हूँ, 10 रुपए ईदी मिल गई है मुझे, हर लीटर के साथ बांटनी है, जाके 10 बच्चों में बांटनी है, एक एक रुपया सबको देना है। वो अब हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जो बच्चों की शॉपिंग करके निकले हैं और हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कितना फर्क पड़ा है महंगाई में? जो अब कितने के मिलेंगे कपड़े, तो पहले कितने के मिलते थे कपड़े? 4 से 5 गुना महंगाई हो गई है। खान साहब का दौर अच्छा था या ये दौर अच्छा है? बहुत अच्छा दौर था खान साहब का, एटलीस्ट हर चीज की रिलायबिलिटी थी। अब तो ये है कि सबकी अपनी मर्जी है, वो हुकूमत के पीछे बस सबने शोर डाला हुआ है कि हर चीज महंगी हो गई है, महंगी हो गई है। अब हर रोज तो पेट्रोल बढ़ रहा है, तो फिर इसी लिहाज से कीमतें। खान साहब के दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ और ये नून लीग वालों ने चीखे मारनी शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे ही, अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन बस दुआ करें हमारे लिए कि हमारे बच्चों की भी ईद गुजरे और बाकी बच्चों की भी ईद गुजरे। तो अभी ईद का गिफ्ट तो दिया उन्होंने पेट्रोल का आपको? हाँ जी, बस इसीलिए तो हम इतने अच्छे मुंह के साथ वापस जा रहे हैं। लेने कुछ आए थे, चार चीजें लेने आए थे, एक चीज लेके वापस जा रहे हैं। बेटा भाई, बेटा आपको मिले आपके मनपसंद कपड़े? हाँ जी मिल गए हैं आपको। ईद के मिले? ईद के मिले हैं। सारी चीजें मिल गई आपको? चूड़ियां मिल गई? चूड़ियां नहीं मिली। क्यों नहीं ली? महंगी थी इसलिए नहीं ली। हाँ जी। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है और हम उनसे पूछते हैं कि शॉपिंग करके निकले हैं, कितनी महंगाई में फर्क पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। ये पकड़ लेना सर, कितना फर्क पड़ा है बच्चों के कपड़े लेने आए हैं आप? ये देख लेंगे, पहले जो चीज 2000 में थी सब वो 6000 में हो चुकी है। तो खान साहब का दौर और अब का दौर में कितना फर्क पड़ गया महंगाई में? महंगाई के अंदर भी तकरीबन कोई 500% फर्क पड़ चुका। कौन सा दौर अच्छा था? खान साहब का दौर अच्छा था? खान साहब का दौर बहुत अच्छा था जी, इमरान खान जिंदाबाद जी। तो पेट्रोल उस टाइम पे 150 रुपए लीटर था, अब 280 रुपए, 282 की भी सतह क्रॉस कर गया है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? अब चोरों की हुकूमत है, इस वजह से गरीब आदमी इसमें बढ़ना ही है। बेटा आपको मिले हैं आपके मनपसंद कपड़े? मिले हैं आपको? बेटा आपको जी, आपको मिल गए, आपने शॉपिंग कर ली है? चलें जी, बहुत शुक्रिया। और आगे हम बात करते हैं और फैमिली से। अस्सलामुअलैकुम। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है और हम उनसे बात करते हैं कि वो शॉपिंग करने आए हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बच्चों की शॉपिंग हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। हो गई है। कितना महंगाई में फर्क पड़ा है, कितना फर्क पड़ा है पहले के और अब के दौर में? सर ऑलमोस्ट तकरीबन 400 से 500 गुना पड़ा है। 400 से 500 गुना पड़ा है? ये कितनी देर हुई इस चीज को? ये 10 से 11 जब से मियां साहब आए हैं। खैर से मियां साहब के दौर में इतना फर्क पड़ गया है, और इससे पहले जब खान साहब का दौर था तब कैसा था? देखिए महंगाई तब भी थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गई है। तब तो 150 लीटर पेट्रोल था, अब देखें सिर्फ पेट्रोल पर नहीं हम कंसंट्रेट कर सकते, बाकी भी चीजें जितनी हैं, लेकिन वो पेट्रोल की वजह से ही बढ़ती है। तो अब तो ये भी ईद का भी गिफ्ट दे दिया उन्होंने, 10 रुपए बढ़ा दिए। ये गिफ्ट अभी और भी मिलने हैं हमें, तो तवक्के हैं, तवक्के हैं कि इंशाल्लाह और भी मिलेंगे। बच्चों की मनपसंद की चीजें उनको मिली है या नहीं मिली? बेटा जी बताओ आप। बच्चों की तो लेके देनी पड़ती है, वो देनी पड़ती है जैसे भी लेके दे। मिली है हमें। मिल गई आपको? यस। कितने खुश हो आप? बहुत ज्यादा। बेटा आप कितना खुश हो? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा खुश हो। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? कुछ भी नहीं, दुआ ही देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला कुरानों को हिदायत दे। चले जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं और हम उनसे पूछते हैं कि भाई क्या ये आपकी दुकान है, कितना फर्क पड़ा है आपका और पहले के दौर में? 100/100%। पहला दौर अच्छा था या अब दौर अच्छा है? पहले वाला।
पहले वाला दौर अच्छा था, वो पहले आप कितनी सेल कर लेते थे? पहले तो माशाल्लाह अच्छी खासी सेल हो जाती थी। पहले होता था कि एक एक दिन में हमने 20-20, 40-40, 50-50 हजार सेल भी करते थे। अब तो 10 भी नहीं होती। 10 भी नहीं होती? हाँ जी। तो क्या फर्क पड़ा ये खान साहब के दौर में और ये अब के दौर में? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अभी देखे ना, ईद आपके सर पर है और ईद भाई आई नहीं, हमें ईद लग ही नहीं रही, ईद नजर ही नहीं आ रही कि ईद है। क्यों लोग नहीं आ रहे? क्या महंगाई की वजह से नहीं आ रहे? भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद कोकर नाम है। शहजाद कोकर साहब, कोकर साहब मुझे ये बताएं कि ये आपका परफ्यूम का और ऐनक का स्टॉल है, तो क्या सिचुएशन है कारोबार की? ब्रदर आप चेक कर सकते, मार्केट की सूरत आपके साथ नहीं है। आप देखें पूरी मार्केट विजिट करें, क्योंकि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। सेल्समैन तबका जितना भी है ना, वो सारा पिस गया महंगाई की वजह से। मैंने जैसे हो रहा है कि हर चीज तो महंगी चल रही है। पहले यहाँ पे मेरा परफ्यूम का काम था, परफ्यूम बेशुमार थे। अब परफ्यूम में गिनती के सिर्फ चंद परफ्यूम रखे हुए हैं। कस्टमर के ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, कस्टमर ऑर्डर देता है, कस्टमर फिर वही चीज़ मंगवाते हैं। बाद बीच में ऐसे लोग भी हैं जो चीज़ें लेके चले गए, वो पैसे भी नहीं पे कर रहे। मुझे ये बताएं कि अब मुझे ये बताएं कि पहला दौर अच्छा था? खान साहब के दौर में, खान साहब का दौर बहुत अच्छा था। उससे पहले दौर जितने भी सारे दौर अच्छे थे, लेकिन इतनी महंगाई आज तक ना हमने कभी सोची थी। ये अब ये एक डेढ़ साल में मजीद महंगाई हो गई है, उसकी एक डेढ़ साल में कितना फर्क पड़ा आपके कारोबार लाइफ में? कभी चप्पल नहीं पहनी, देख ले अभी मेरे शूज के पाँव में चप्पल है। क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये देना चाहता हूँ जो हमारे जो भी हकदार हैं, महंगाई करें लेकिन गरीबों का भी बस ख्याल करें, बस ऐसा काम नहीं है। पहले जैसा काम नहीं है, यानी कि अब सेल का क्या रेशियो होगी? 50% हो गई, 40% हो गई, 70% लगा लें। 70% खान साहब के दौर में 100% थी और अब 70% रह गई। तो ये जो अब आगे मजीद ईद के दिनों में, ईद के दिन कम करने के पेट्रोल के बजाय 10 रुपए कम करने के बजाय उन्होंने बढ़ा दी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो तो ऐसे जैसे आवाम को छीन रहे हैं, उनसे ले रहे हैं, उनको अपने ही पता है अपनी बड़ी हुई। अस्सलामुअलैकुम, हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम। भाई कितना परेशान है आप महंगाई की वजह से? भाई जान कारोबार ही नहीं है, आपके सामने 3 रोजे रह गए, ये देखें जरा, माल भरा पड़ा है, कस्टमर है ही नहीं। क्यों कस्टमर नहीं है? कस्टमर कह रहे भाई पैसे ही नहीं है, ये गवर्नमेंट सारे पैसे लेके खा गई है, मुल्क का दिवालिया निकला है, लोगों के खर्चे नहीं है, कारोबार नहीं है। वरना कस्टमर कहता है, हर बंदे का दिल करता है मैं 5 पैंटे लूँ, 5 शर्टे लूँ, लेकिन महंगाई से तंग आके लोगों का पैसे ही नहीं। और ये वाहिद ईद है जो 15-20 सालों से मैं गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ और कस्टमर बेतहाशा होता है, लेकिन ये वाहिद ईद है कि इसमें फिरने वाले ज़्यादा हैं और लेने वाला 1-2 है बस। ये बताएं खान साहब का दौर अच्छा था या ये दौर अच्छा? नहीं, खान साहब का तो बहुत अच्छा दौर था। हमने लॉकडाउन में इतना काम किया, आपकी सोच है, लाखों की सेल पकड़ी है हिंदुस्तान पे। हालांकि कॉर्पोरेट था, बंद थे, कस्टमर ऐसे ही आता था, अब शटर उठा उठा के अंदर भेजते थे। अब मार्केटें खुली हैं लेकिन बेरान हुई है, कस्टमर ये दे रहे ये लगे फिर रहे, ये आगे जाएंगे घूम के फिर इधर आ जाएंगे। ये लोगों ने आते जाते तो वैसे ही सैर करने आए, वैसे ही सैर करने आए हैं, ये दे ले फिर। नहीं तो क्या पैगाम देना चाहते हैं मौजूदा हुक्मरानों को? मौजूदा हुकूमत को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप बस कर दो, छोड़ दो। ये कहते हैं मुल्क बहुत डिफॉल्टर होने वाला है, मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन जान फिर भी नहीं है छोड़े हमारे, जान छोड़ के चले जाए, नए बंदे आए, मुल्क तो चलता रहेगा। भाई अब तो वो पार्लियामेंट और अदलिया हमने सामने, फजल रहमान कहता है मुल्क बहुत नाजुक दौर से दौर गुजर रहा है, फजल रहमान कहता है, छड़ता भी नहीं है, साहब लाओ दाढ़ी रखी है, भूली जा रहे हैं, मरण तो इन्हें भी वक्त आए हैं, लेकिन हुकूमत नहीं छोड़ दी। हम जैसे नए बंदे नु चांस दें तो मुल्क किधर किधर निकल आगे, लेकिन सपोर्टर पक्का है नून लीग का, ए मुड़दा नहीं, कहना थोड़ी जी महंगाई हुई, बंदा पूछे सारे मार के कहने थोड़ी जी महंगाई, तू तो नहीं मरे। मैं नहीं मरिया, देख ले वहां देखो जरा। हां जी भाई, क्या कितना परेशान है आप महंगाई से? परेशान नहीं है, मैं परेशान नहीं है, मैं आवाजा मार मार के ये देख जी भाई, ये देखिए हम तो यार इधर काम करने के लिए आते हैं, तैयारी लगाने के लिए आते हैं। तो भाई ने एक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में उन्होंने एक प्लान किया है और ये देखें उनका वो प्लान हम जानते हैं। ये देखें पहले जरदारी साहब, ये पुराने लोग हैं, जरदारी साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, फिर ये शहबाज शरीफ था, ये एक ये बिलोरानी है, पता नहीं लड़का लड़की, फिर सबसे ऊपर देखें इमरान खान, मुस्तकबिल इसी का ही है, मुस्तकबिल इमरान खान का ही है। ये तो हम ट्रीम ब्लॉक मौजूद है मार्केट में और हमारे साथ एक भाई मौजूद है और हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम।
भाई मुझे ये बताएं कितने परेशान हैं आप महंगाई से? मैं परेशान हूँ? ओ भाई साहब मैं परेशान नहीं हूँ, ये सब परेशान है, ये पूरा पाकिस्तान परेशान है। ये देखें लोगों के चेहरे देखें कैसे लटके हुए हैं, ये किसी बाजी को देखें रेट बताएंगे चेहरा देना कैसे बन जाएगा इनका। तो मकसद ये है कि ये लोग जो है ना ये महंगाई से परेशान है, ये इसलिए परेशान है कि हम इस मुल्क में पैदा क्यों हो गए हैं जहाँ पे 300 रुपये लीटर पेट्रोल होता है, जहाँ पे आलू सस्ता हो गया 60 रुपये किलो है, इस टाइम 120 रुपये किलो था। तो मकसद ये है कि वो हमें ना समटाइम फील होता है कि यार यही हम लोग इंडिया में पैदा हुए होते आप यकीन करें 7 रुपये किलो आलू लेते हैं, 90 रुपये किलो 90 रुपये लीटर पेट्रोल लेते हैं हम लोग, तो ये अच्छा नहीं था हमारे लिए। अब हमारे हुक्मरानों ने हमारे साथ क्या किया, जिन्हें हम 20-20 साल 30-30 साल से वोट देते रहे जिन लोगों को, उन्होंने हमारे साथ क्या किया? आप भी देखो ना, आप भी इधर ही हो, आपके घर का बिजली का बिल कितना आता है नॉर्मल से घर का आप बता दो। हमारे में से निकला बांग्लादेश, और वो देखें कैसी शेम वाली बात है कि बांग्लादेश निकला हमारे बीच में से, और इस टाइम वो हमारे से बहुत ऊपर चला गया हुआ है। हमारी सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश में चली गई है, बंगालियों की इस टाइम दुनिया में इज्जत है भाईजान। कि आप ये देखिए कि हमारे पाकिस्तानी पहले दूसरी कंट्रीज में होते थे ना एज ए वर्कर मजदूर होते थे, तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट थी उन लोगों की, अब जब से ये बंगाली अफगानी आ चुके हुए हैं अब इनकी वो भी रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी हुई है। क्योंकि हर बड़ी सीट पे इस टाइम कौन है? इंडियन। किसी भी सीईओ को देखें इंडियन, गूगल का सीईओ इंडियन, यूट्यूब का सीईओ इंडियन, ईच एंड एवरीथिंग किसी भी बड़ी पोस्ट पे देखेंगे इंडियन है। तो इंडियन को जब आप इज्जत नहीं दोगे, जब उनसे आप प्यार नहीं करोगे, तो जो सीईओ होगा वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा? कभी सोचो इस चीज को। तो मकसद ये है कि भाईजन हमें थोड़ा सा अब अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए कि हमने तरक्की कैसे करनी है, हम लोगों ने आगे कैसे जाना है, या इन्हीं के पीछे लगे रहना जो पिछले 20 सालों से हमें नचा रहे हैं। तो अब हम लोगों को खुद सोचना है, इंडिया ने क्यों तरक्की की, बांग्लादेश ने क्यों तरक्की की, चाइना ने क्यों तरक्की की, आप कभी देखिए तो सही, उन्होंने आम सिविलियन पे तवज्जा दी, फोकस दिया आम आदमी के ऊपर, आम आदमी के लिए पढ़ाई आसान की, क्वालिटी एजुकेशन लेके आए, पढ़ाई सस्ती की। अब तो हम अपना बच्चा को पढ़ा दें ना डॉक्टर बना दें, तो भाईजन हमें अपने घर गिरवी पे रखवाने पड़ते हैं, इस पाकिस्तान में पैदा हुए ना हम लोग, तो बच्चा पढ़ा क्यों जी भाईजन? सही कह रहा हूँ मैं? गलत तो नहीं? भाई को भी दिखाएं जरा भाई को भी। तो हमें अपना बच्चा पढ़ाने के लिए ना भाईजन अपना घर गिरोह पे रखना पड़ता है। तो फिर इसलिए हम कहते हैं कि यार हम क्यों पैदा हुए, मकसद ये है कि यार थोड़ी सी तो आसानी। अब देखिए ना हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, पूरी दुनिया में उस टैक्स का रिटर्न होता है, हमें क्या रिटर्न में मिल रहा है? हमें तो रिटर्न में ये मिला कि रात को सोए हैं, सुबह सो के उठे हैं और हमें पता चला जी हमारा मुल्क तो ब्लैक बैंकरप्ट होने लगा है, हमारा मुल्क तो जो है वो ब्लैक होने लगा है, हम लोग पता नहीं क्या होने लगे हैं। अब मुझे ये बताएं कि हम क्यों करप्ट हो रहे हैं भाईजान? हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है जो छोटे छोटे बच्चों के साथ वो कपड़े लेने हैं। सर कपड़े लिए हैं बच्चों के? जी जी लिए हैं कपड़े बच्चों के। कितना फर्क पड़ा है महंगाई में? बहुत ज्यादा। ये दौर 1200-1300 की थी वो अब 1900-2000 से कम मिल ही नहीं रही, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है यहाँ पे। अब बंदा अपना आप कैसे दिखाए, हुकूमत को चाहिए ना कुछ एहसास करे, लेकिन कोई भी नहीं करेगी। तो अभी तो अभी तो उन्होंने दो दिन पहले तो ईद का गिफ्ट दिया आपको, तो वो हमें सबके साथ ही है ना, फिर ऐसे ही है ना गिफ्ट दिया है, तो उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि ऐसे क्यों कर रहे हैं ये लोग, कि गरीब तबका जो है वो पिस ही रहा है महंगाई में। बच्चों को मिले हैं कपड़े इनके या अभी रेट ही नहीं बना? नहीं रेट बना ही नहीं है, अब वापिस आ गए हैं, क्या कर सकते हैं। चले जी ये देखें आवाम इस हद तक परेशान है, मार्केट में तो आए हैं लेकिन रेट की वजह से उनसे वो हो ही नहीं रहे, रेट ही नहीं बन रहा, और